भाई साहब एक लाइन जो मैंने पहले भी कही थी आज भी कहना चाहूंगा कि सोनू निगम की रेंज और डॉक्टर स्ट्रेंज की कोई लिमिट नहीं है। स्पाइडरमैन नो वे होम के बाद सबके दिमाग में यही सवाल था कि मार्वल अपने झोले से आखिर क्या आफत निकालेगा। लेकिन वो कहते हैं ना कि गला खराब हो तो गार्गल कर लो और एंटरटेनमेंट चाहिए तो मार्वल कर लो। नमस्ते मैं बहुआ। बहुआ भाई ये लाइन तुम पहले भी बोल चुके हो है कि नहीं? पहले बोल चुके हो तो क्या बात गलत हो गई है क्या? अच्छा ये वाली भी तू पहले बोल चुका है? अरे भाई साहब तो क्या बात हो गया, कमाल आदमी हो। वैसे गलत का मालूम नहीं लेकिन उन लोगों के कान जरूर खड़े हो गए जो ये कहते थे कि आयरन मैन के मरने के बाद मार्वल क्या ही दिखा सकता है। भाई साहब ये मार्वल है, केविन फाइगी वो आदमी है जिसको चूड़न पकड़ा दो ना तो चाट के मसाले के डब्बे में पैक करके बेच देगा, किसी को मालूम भी नहीं पड़ेगा। इस आदमी ने अकेले इतना माल छाप दिया है कि कई देशों की जीडीपी इतनी नहीं होती। मतलब लोगों को पैसे की कमी होती है लेकिन पैसों को केविन फाइगी की कमी लगती है। भाई साहब मार्वल के फैंस भी आपस में डिस्कशन यही करते हैं कि यार किस्मत में थोड़ा सा केविन फाइगी होता तो आज हम करोड़पति होते। वहीं सैम रियामी जब किसी फिल्म के डायरेक्टर होते हैं तो एक्सपेक्टेशन की शुरुआत ही बुर्ज खलीफा के टॉप फ्लोर से होती है। डॉक्टर स्ट्रेंज के ट्रेलर में तुमने देखा ही होगा कि ये आदमी क्या क्या कर सकता है। सैम रियामी जब कोई फिल्म बनाते तो फिल्म नहीं होती, एक एक्सपीरियंस होता है, चाहे विजुअल्स हो, हॉरर एलिमेंट्स हो या फिर बैकग्राउंड स्कोर या फिर सिनेमेटोग्राफी, सब कुछ ए प्लस लेवल का। डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मैडनेस ऑफ मल्टीवर्स उनकी सबसे अच्छी क्रिएशंस में से एक हो सकती है। तो देखिए ट्रेलर की शुरुआत होती है डॉक्टर स्ट्रेंज के ड्रीम सीक्वेंस से जहां पर उनको दिखाई देता है सैंटम सेंटोरियम जिसके आसपास बहुत सारे कंकाल और हड्डियां पड़ी हुई हैं। ट्रेलर के पहले फ्रेम से ही सैम रियामी हमको बता देते हैं कि फिल्म अपने हॉरर एलिमेंट्स को पूरी तरह से एक्सप्लोर करने वाली है। फिल्म अपने विजुअल्स के थ्रू आपको कई चीजें बताने की कोशिश करेगी। फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर स्ट्रेंज की टूटी हुई घड़ी रियलिटी और बाकी डायमेंशन की गड़बड़ झोल को दिखाती है कि टाइम और रियलिटी ब्रेक हो चुकी है। इसके बाद स्क्रीन पर कई सारे मॉन्स्टर्स दिखाई देते हैं, हो सकता है उनका कुछ नाम भी हो, अपने को वो मालूम नहीं है इसलिए उनको अभी के लिए मॉन्स्टर्स ही बुलाते हैं। मॉन्स्टर से याद आया कि इसमें एक डायनासोर के टाइम का सीन भी है, यानी सैम रियामी पूरे मूड में है हमको वो दिखाने के लिए जो हमने सोचा भी नहीं है। इल्यूमिनाटी ग्रुप के साथ साथ इसमें मोडो भी नजर आता है जो स्ट्रेंज को माफी देने के मूड में एकदम नहीं है। वांडा भी स्ट्रेंज को टॉन्ट मारते हुए कहती है कि तुमने इतना रायता फैलाया है तो कुछ नहीं, मैंने जरा सा रियलिटी को छेड़ दिया तो आफत आ गई। ये सुनते ही मेरे को मालूम पड़ गया कि ये बंदी आतंक मचाने वाली है। वांडा विजन में हमने देखा ही है कि अगर ये अपने पर आ जाए तो कलेजा निकाल सकती है, मजाक नहीं कर रहे हम लोग। इन सब के बीच हमको पैट्रिक स्टीवर्ट की आवाज सुनाई देती है जो है अपने प्रोफेसर एक्स, यानी हमें एक्समैन भी इसमें दिखाई देने वाले हैं। अल्ट्रॉन के बॉट से लेकर स्टोरी के डॉट्स तक सब कुछ इतना सीक्रेट रखा गया है कि जब ये फिल्म थिएटर्स में लगेगी तो लोग एक दूसरे के कुर्ते फाड़ते नजर आएंगे। कुर्ता तो हमने बोला है, फट तो कुछ और भी चीज सकती है। खैर टिकट के लिए इतनी मारामारी होगी कि नो वे होम भी फेल हो सकता है। देश में नौकरी के बाद इसके टिकट्स की ही डिमांड सबसे ज्यादा रहेगी। एक बात और, नो वे होम में इतने मेजर लीक्स हुए लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज बनके तैयार भी हो गया, कोई लीक नहीं हुआ। इसका मतलब समझे दया? इसका मतलब यही है कि अगर स्टूडियो वाले चाहें तो शूटिंग एरिया के दीवार पर लगी घड़ी की सुई भी लीक नहीं हो सकती। मार्केटिंग इसी को कहते हैं भैया। इसके ट्रेलर को देखकर वसूली भाई का वो वाला डायलॉग याद आ गया कि कुछ समझ नहीं आया लेकिन देख के अच्छा लगा। वैसे अच्छा आपको भी तब लगेगा जब आप प्रोमो ऐप पर ये प्रिडिक्ट करोगे कि क्या डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मैडनेस ऑफ मल्टीवर्स का ट्रेलर 28 फरवरी तक 50 मिलियन यूट्यूब व्यू कर सकता है। हमको तो लगता है बाबा कर सकता है, इसलिए हमने यस का ऑप्शन सेलेक्ट किया। और क्यों किया ये वीडियो में मैं आगे बताऊंगा, लेकिन तब तक आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से प्रोमो ऐप को इंस्टॉल करो। स्पोर्ट्स हो, एंटरटेनमेंट हो, मूवीज हो, पॉलिटिक्स हो, किसी भी इवेंट पर ओपिनियन देकर प्रिडिक्ट करके आप ढेर सारा कैश जीत सकते हो। साथ ही RJ50 कूपन कोड लगाओगे ना तो वेलकम बोनस भी पाओगे। वेल आखिर में मुझे ऐसा क्यों लगता है कि ये फिल्म 50 मिलियन YouTube व्यूज ही नहीं बल्कि नो वे होम का रिकॉर्ड भी तोड़ सकती है। दरअसल इस फिल्म के बारे में जितने रूमर्स हैं उनके आधे कैरेक्टर्स भी अगर ये फिल्म इंट्रोड्यूस कर देती है तो कम से कम एक दर्जन लोग तो आएंगे और उनको देखने के लिए ट्रॉली भर भर के पब्लिक भी आएगी, पैसे भी आएंगे, रिकॉर्ड्स भी बनेंगे और मजा भी आएगा। तो जब इतना सब कुछ आएगा तो हम आपको ये भी बताएगा कि आखिर में फिल्म के ट्रेलर में कैसे डीसी के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। तो भाई साहब सुपर बोल का टाइम था, सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्वल और डीसी का सारा कंटेंट यहाँ मिलेगा, लेकिन तभी ये मालूम पड़ा कि डॉक्टर स्ट्रेंज का ट्रेलर भी आने वाला है। अब देखो यार ये फिल्म मार्वल के 10 सालों का ही नहीं बल्कि जब एमसीयू एग्जिस्ट भी नहीं करता था तब का निचोड़ है, इसीलिए इसमें वो सब नजर आने वाले हैं जो एमसीयू में पहले नहीं दिखाई देते। वो चीजें हैं जो इस फिल्म को इतनी बड़ी बना देती हैं कि बाकी सारी फिल्में छोटी नजर आने लगती हैं। यही वजह है कि डीसी का कोई भी कंटेंट, खासकर ब्लैक एडम का ट्रेलर रिलीज नहीं किया गया, यानी डॉक्टर स्ट्रेंज ने इस टाइम आफत मचा रखी है। वैसे आफत आप भी मचा सकते हो, कैसे? प्रोमो पर प्रिडिक्ट करके, अपना ओपिनियन देके। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, प्रोमो इंस्टॉल करो और ये बताओ कि क्या ये फिल्म का ट्रेलर 50 मिलियन यूट्यूब व्यूज कर पाएगा, वो भी फरवरी के एंड तक। क्या लगता है आपको? चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करना, फेसबुक पे देखना तो पेज को लाइक करना, बेल आइकन जरूर दबाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।